बचाव वकील लगवा ले, मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया है, खबर अखबारों में भी छप चुकी है, और रामचंद्र तो अपना जुर्म भी इकबाल कर चुका है। क्या फर्क पड़ता है उसे जवान पुकारने या सवार कहने से? सर, आपने मुकदमा शुरू होने से पहले ही फैसला ले लिया है शायद कि खूनी कौन, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों, इस ढकोसले, इस फोर्स की क्या जरूरत? आप कहें तो मैं केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही मन बना चुकी है। वैसे जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अखबारों में कागजों में छपी सारी खबरें सच हो। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सिट डाउन कैप्टन रॉय, आप पहला गवाह पेश करें। सर, इस मुकदमे के पहले गवाह रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह है। सुबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर, मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद? नहीं सर, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई, गर्मी बहुत थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। मैं गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? सर बताया ना, लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। जब गार्ड हाउस के पास एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी। साफ साफ कुछ नहीं दिखाया, शायद चश्मा नहीं लगाया उस रात। सर मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन साहब, अभी तो आपने खुद बोला कि आपको साफ साफ। सर लाइट चली गई। सुबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी और आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद को इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, यहाँ तक कि मैदान में पड़ी एक छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी सवार थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। यस सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए। गुड, जब इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल बैठे आपने रेजिमेंट के इन दोनों अफसर को पहचान लिया, तब तो रामचंद्र ने पहचान लिया होगा। जी सर। गुड, इसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के थोड़े फासले पर एक पेड़ है, मोटरसाइकिल का अगला पहिया उस पेड़ से जाकर टकराया। जब मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी, मोटरसाइकिल सड़क पर नीचे उतर गई। जैसे ही मोटरसाइकिल सड़क पर उतरी रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर रामचंद्र ने राइफल फिर से तान ली गोली चलाने के लिए। तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। हमने रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पीछे से पकड़ा तो रामचंद्र ने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप रामचंद्र को पीछे से न पकड़ते तो वह जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी सर। इसके बाद क्या हुआ? गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान बैरकों से दौड़कर हादसे की जगह पहुंच गए। सबके सामने रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल करूंगा। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवानों ने मिलकर रामचंद्र को काबू में किया। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। सर, मुझे कुछ और नहीं पूछना। सिट डाउन कैप्टन रॉय, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सुबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से, ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारे रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, कोई मारपीट हुई, या कभी किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई, बिल्कुल गौ आदमी है। कोई भी ड्यूटी जो आपने या किसी और अफसर ने उसे करने को दी, उसे करने में कभी कोई लापरवाही या आनाकानी की उसने? नहीं सर, रामचंद्र हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं। कैप्टन मोहन वर्मा जो कि मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर, इन्होंने कभी कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ या कोई सजा दी हो? नहीं सर। फिर उसने कैप्टन मोहन वर्मा की जान क्यों ली? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानू साहब, जो देखा वो बता दिया। सूबेदार साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना दिखाई दे, सच का केवल एक ही हिस्सा हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और उसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहां जरूरी है कि जो कुछ आप देखें या हम देखें वो सब कुछ सच ही हो? नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, तो आप जिस जगह पर खड़े हो क्या वो हिल रही है या घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है या घूम रहा है? नहीं। आप तो अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपकी आंखों देखी बात तो गलत है, बिल्कुल गलत।
इतना तो आप भी जानते होंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूरज के चारों ओर भी। आपके ना देखने से यह सब झूठ तो नहीं बन सकता ना? जमीन घूमने से मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय चांद गबा को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का है जो ट्रायल से जुड़े हैं। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन, क्या आपकी अब बातों से इस ट्रायल में कोई फर्क पड़ता है, कोई मतलब है? अगर है तो पूछो, अदरवाइज मैं सबको पहले ही वार्न कर चुका हूं, फिजूल के दांव पेचों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं। राइट सर, समय सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के जीवन से भी कीमती। कोर्ट की चिंता बिल्कुल सही है कि समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी ही क्यों ना चढ़ जाए। समय और सत्य हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं। सत्य क्या है इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रुथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ फ्यूचर। मैं तो सिर्फ ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था कि सत्य न केवल इतना छोटा होता है और ना इतना आसान कि उसे हम अपनी आंखों से देखकर समझ लें। कैप्टन रॉय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात का गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था सर, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब पासवर्ड क्या? मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगा कितनी मुश्किल हिंदी ना बोले, जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। हाँ तो साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं सर, इजाजत हो तो रेजिमेंट के कलर से पूछ के बताऊं। नहीं नहीं कोई बात नहीं साहब, प्रत्येक रात एक नया पासवर्ड होता है और फिर इतने महीने पहले का पासवर्ड भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहें तो मैं बता दूं आपको, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के कलर से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या की रात वाली सारी बात आपको याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। सूबेदार साहब, तो ये बात तो तय हो चुकी है कि इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को रामचंद्र ने पहचान लिया। तब तो जाहिर सी बात है कि आपने भी पहचान लिया कि दोनों अफसर उसी रेजिमेंट के हैं। यस सर, यही बात तो मैं कह रहा हूं। यही बात तो सच है सूबेदार साहब, और हम सबने शपथ ली है सच बोलने की। आप एक बात बताइए, क्या आपने अपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? मैं कौन होता हूं ऐसी हिदायत देने वाला। रूल इज रूल, गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है, बेदाग सर्विस, क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है आपको, पता है। मैं मानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते किसी हालत में नहीं। जब उस रात दोनों अफसर मोटरसाइकिल से गार्ड हाउस के पास पहुंचे तो क्या सवार रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है कहकर ललकारा? सर, मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। अगर रामचंद्र, आवाज सुनी जाती है देखी नहीं जाती। सूबेदार साहब, क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया था, थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना, कैसे कह दूं कि ललकारा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने सुना नहीं, इसका मतलब कहा भी नहीं गया। तो क्या इस 15 अगस्त को आप दिल्ली में थे? नहीं। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबवा दे, तो आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, और आपने सुना भी नहीं अपने कानों से। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया, क्योंकि आपने तो नहीं सुना। सर, मैं सब कुछ साफ साफ, आवाज सुनी जाती है देखी नहीं जाती। सूबेदार साहब, आप घटना स्थल से 510 मीटर दूर थे, मोटरसाइकिल चल रही थी, इतनी दूरी से बुलेट मोटरसाइकिल चलने के शोर में सवार रामचंद्र की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती। सर, मैं 100 मीटर की दूरी, मेजर पुरी ने कहा और आपने मान लिया कि 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। आपने पीछे से दूरी मापी है, मैंने मापी है, आप घटना स्थल से 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। आपको सवार रामचंद्र की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती किसी हालत में नहीं। कैप्टन रॉय जल्द से गवाह को कंफ्यूज कर रहा है, एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। वो खुद मान चुका है कि मोटरसाइकिल में बैठे रेजिमेंट के दोनों अफसर को रामचंद्र ने पहचान लिया था, फिर थम कोने की ललकार को बार बार पूछने का क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये ऐसे प्रिजाइडिंग अफसर को आपको नहीं। सिट डाउन, कंटिन्यू कैप्टन। सूबेदार साहब, आप एक बात समझाइए हमें कि अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, हम कहने पर भी अगर कोई ना रुके, कैप्टन रॉय चांद उसके सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात कोई नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? फिर यह कहां साबित हो चुका है कि रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा, गवाह कैसे बता सकता है? यही बात तो मैं कह रहा हूं, गवाह ने तो सुना ही नहीं है, वो तो बता नहीं सकता है, नहीं बता सकता। मेरी कोर्ट से विनती है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए, जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चलाई जाए, किसी सैनिक को पैरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करने को कहा जाए, चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि आवाज सुनाई देगी या नहीं।
अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला नहीं किया। सर, मैं कौन होता हूँ साबित करने वाला कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई? ये बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने की है कबूल। पर मैं कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कहने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court armila! तुम कानून सिखाओगे मुझे? इस कोर्ट में दबा छिपा कर कुछ भी नहीं होगा। साफ साफ बताइए ऊंची आवाज में, क्या चला दिया लिखकर मुझे? अगर यह साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का सबको पता है, लेकिन यह सख्ती से लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के दिनों में कानून अलग अलग नहीं होते, बदले नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहा है। जब खुद रामचंद्र मान चुका है कि उसने कत्ल किया, होशोहवास में किया, तो फिर इसमें चैलेंज करने या ना करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों ना जाए हादसे की जगह? ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे वाली जगह पर और जरूर जाएगा। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी, अगर यह साबित हो गया कि उसके चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया फैसला इस कोर्ट ने कि रामचंद्र को हर हाल में फांसी पर चढ़ाना ही है? लेकिन सर। लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर, आप या मैं? कैप्टन विकास राय, आज रात 10 बजे कोर्ट हत्या और हादसे वाली जगह पर चलेगी। पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने ललकार लगाई थी या नहीं। सर, मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कह रहा है? रामचंद्र कुछ नहीं बोल सकता, गवाही सुबेदार साहब की चल रही है। मैंने उसका थम कान है कि ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज किए वह गोली मार दी थी। द कोर्ट नॉट मेक दिस कन्फेशन ऑफ रामचंद्र, ही ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग सर। सिट डाउन कैप्टन, हु द हेल मेड यू द प्रोसिक्यूटर? बैठ जाओ जवान रामचंद्र। कैप्टन कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। सूबेदार साहब, मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना। देखिए ना, मैं तो फिजूल में बहस करता रहा कि, और देखिए रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि गोली उसने चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिए जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों किया खून। कई बार सच बिल्ली की तरह दुबक कर किसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठा रहता है। ध्यान से देखें और सोचें, तभी पता चल सकता है सत्य क्या है। 5 मिनट का ब्रेक, आप लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन राय, तुम यहीं रुको। यस कैप्टन विकास राय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को यह बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज किए गोली चला दी? तुमने उसके फांसी के फंदे में हाथों से मजबूत गांठ लगा दी, क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं किसी तकनीकी बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको सच की गोली उसने चलाई, हत्या की है, पर प्रश्न तो यह है कि क्यों चलाई उसने गोली, क्यों किया खून। मैं रामचंद्र को बताने नहीं आया, क्योंकि इसे कोई नहीं बता सकता। कोशिश तो कर सकते हो सर, मैं वो चीज